अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर क्लास 10 यूनिट नंबर 12 थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम है हमारे पास द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। यहाँ पर गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। गिवन मैंने आपको पिछले थ्योरम्स में भी बताया था, चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स में, कि इससे पहले पहले जो होता है वो हम लोगों का इज, एम, आर, विल, शैल, इन सबसे पहले पहले जो होता है वो हमारा गिवन होता है, और इसके बाद जो स्टेटमेंट आती है वो हमारी टू प्रूव होती है, वो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है, और ये हमारा आ गया गिवन में। ये क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं, अब हम समझते हैं स्टेटमेंट को कि हमें स्टेटमेंट क्या कह रही है। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है, ये हमने एक सर्कल बना लिया है, हमें चाहिए एक आर्क, हमने ले ली ये एक आर्क ए से सी तक, ए सी, ये ले ली हमने एक आर्क। दूसरी चीज़ यहाँ पर है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जो कि सेंटर में बनता हो, ये आपका है सर्कल का सेंटर जिसको नाम दे दिया हम लोगों ने ओ का, तो यहाँ पर जो एंगल ए और सी के साथ बनेगा वो कहलाएगा हमारा सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल बन गया हमारे पास ए ओ सी। थर्ड चीज़ वो एंगल जो कि सर्कम पे बनता है, सेंटर पे नहीं बनता, उसको हम कहते हैं सर्कम एंगल। वो बन जाएगा इस तरह, इस आर्क से आप इसके सर्कम तक लेके जाएंगे, तो ये वाला जो एंगल बन जाएगा ये बनेगा हमारा सर्कम एंगल। तो हमारा ए, इसको नाम दे दिया हमने बी का, तो यहाँ ए बी सी आ गया हमारा सर्कम एंगल, और ए ओ सी आ गया हमारा सेंट्रल एंगल। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर गिवन में उसने बता दी हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप गिवन में ये सब चीज़ें लिख देंगे, ये हमने लिख दिया है, इसने क्या क्या, ए सी हम लोगों को बता दिया थी एक आर्क है विद सेंटर ओ, एंगल ए ओ सी इज सेंट्रल एंगल क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है, और एंगल ए बी सी इज सर्कम एंगल क्योंकि इसकी सरफेस पे बन रहा है। ये हमारा था गिवन में। अब टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमने, स्टेटमेंट में कह रहा है कि मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब माइनर आर्क जो सर्कल की है इज डबल, वो डबल है, मतलब माइनर आर्क यहाँ पर ए बी सी इज़ अ माइनर आर्क, ये डबल है डैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, वो उस एंगल से जो कि मेजर आर्क पे बन रहा है, मतलब ए और सी का जो एंगल है वो हम लोगों के पास टू टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी के इक्वल आएगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो टू प्रूव में हम लोग क्या लिख देंगे कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल आएगा आपका ये बड़ा होगा इससे कितना, टू टाइम्स बड़ा होगा, तो टू टाइम्स ऑफ ए बी सी, ए बी सी के एंगल को दो बार करेंगे तो आपके पास एंगल बनेगा ए ओ सी का। इज़ दैट क्लियर? आगे हम जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हमने बस इतना काम किया है, ज्वाइन किया बी को ओ के साथ, और इसको आगे बढ़ाते हुए हम सर्कल पर ले गए और इसको नाम दे दिया हम लोगों ने डी का। और दूसरी बात, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने इनको जैसे एंगल्स के नेम दे दिए हैं, इसको कहा है एंगल वन, इसको कहा है टू, इसको कहा है थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, और इसको सिक्स। ये बस हम लोगों ने नेम्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन में, वो सारा काम आपने यहाँ पर लिख देना है। आगे आ जाते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, गिवन क्लियर है, टू प्रूफ क्या करना है वो भी क्लियर है। एक बार दोबारा देख लें, हम लोग को उसने आर्क दे दी थी ए सी, उसने सेंट्रल एंगल का बता दिया था, सेंट्रल एंगल जो सेंटर में से पास हो तो ए ओ सी, और दूसरा उसने हम लोगों को सर्कम एंगल की बात की थी और वो आ गया हमारे पास ए बी सी। ये तीन चीज़ें गिवन में थी, हम लोगों ने प्रूव ये करना था कि ये सेंटर के साथ जिसका एंगल बन रहा है वो टू टाइम्स इसके सर्कम के एंगल के होगा, ये हमारा प्रूफ। अब कंस्ट्रक्शन में हमने जैसे इतना काम किया, इनको एंगल्स के नेम दे दिए और इसको हम लोगों ने ज्वाइन किया बी को ओ के साथ, और उसको बढ़ाते हुए आगे ले गए, उसको हमने डी का नाम दे दिया। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। पहला है हम लोगों के पास कि एंगल वन और एंगल थ्री एक दूसरे के इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? एंगल वन इज़ इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल थ्री, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हम लोगों के पास एक थ्योरम है, इसका प्रूफ जो
वो मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में शेयर कर देती हूँ, वहाँ से आप इसका प्रूफ चेक कर लीजिएगा। अगर मैं अभी इधर शेयर करती तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए इसका प्रूफ चेक करने के लिए दूसरी वीडियो आप चेक कर लीजिए। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, यहाँ पर आपने इसकी रीज़न लिख दिया। अगर ये इक्वल है एंगल वन एंड एंगल थ्री, तो एंगल टू एंड एंगल फोर जो है ये भी इक्वल होंगे। एंगल टू इज़ इक्वल टू एंगल फोर, तो इसको नाम दे दिया हमने वन का और इसको नाम दे दिया हमने टू का। नेक्स्ट हमारे पास, आप जानते हैं ये भी हम थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं कि एक्सटर्नल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके बाहर का एंगल बन रहा है ये एंगल फाइव। तो कोई भी एक्सटर्नल एंगल होता है वो अंदर के दो एंगल्स का सम होता है, सम के इक्वल होता है। तो एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल वन, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेयर ऑफ एंगल फाइव इज इक्वल टू मेयर ऑफ एंगल वन प्लस मेयर ऑफ एंगल थ्री। ये आ गई इक्वेशन नंबर थ्री। इसका भी प्रूफ, इसकी जो रीज़न है इसका प्रूफ भी मैं आपको दूसरी वीडियो में दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये एंगल फाइव और एंगल वन एंड थ्री के इक्वल है, तो ये भी आपका जो ये वाली ट्राइंगल है इसका एक्सटर्नल एंगल बन रहा है एंगल सिक्स। तो मेयर ऑफ एंगल सिक्स इज इक्वल टू फोर एंड टू के सम के इक्वल होगा। तो मेयर ऑफ एंगल सिक्स इज इक्वल टू मेयर ऑफ एंगल टू प्लस मेयर ऑफ एंगल फोर। ये आ गया इक्वेशन नंबर आपके पास फोर, इसकी भी रीज़न वही है। नाउ आप जानते हैं मेयर ऑफ एंगल फाइव एंगल वन एंड एंगल थ्री के सम के इक्वल है। हमने कहा है एंगल वन जो है वो एंगल थ्री के इक्वल है, तो अगर एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है तो एंगल थ्री की जगह भी हम लोग एंगल वन लिख सकते हैं। मेयर ऑफ एंगल थ्री क्योंकि वन के इक्वल है तो इसकी जगह भी हम वन लिख सकते हैं। तो हम लोग थ्री को यूज़ करते हुए लिखेंगे मेयर ऑफ एंगल फाइव इज इक्वल टू मेयर ऑफ एंगल वन प्लस हमने थ्री की जगह भी क्या लिख दिया मेयर ऑफ एंगल वन। तो ये किसके इक्वल हो गए, ये दो हमारे पास एंगल वन बन गए, तो ये आगे टू टाइम्स ऑफ मेयर ऑफ एंगल वन। या अगर आप वन नहीं तो आप थ्री भी लिख सकते हो इसी तरह से, कैसे कि आप एंगल वन क्योंकि एंगल थ्री के इक्वल है तो आप वन की जगह क्या लिख देंगे थ्री, तो ये टू टाइम्स ऑफ मेयर ऑफ एंगल थ्री हो जाएगा। आप बेशक वो लिखते हैं, चूँकि हम लोगों को चाहिए, हम लोगों ने बात ही जो करनी है एंगल फाइव सिक्स और थ्री एंड फोर की करनी है, क्योंकि हमने इन दोनों एंगल्स को प्रूव करना है, ये ए और सी के एंगल और ए बी सी के एंगल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वन को नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर थ्री और फोर वाले को यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी ये वन वाले को थ्री में चेंज कर रहे हैं। मेयर ऑफ एंगल वन किसके इक्वल है थ्री के, तो हम लोग इस वाली इक्वेशन नंबर थ्री में ये चेंजिंग करेंगे कि वन की जगह भी हम लोग थ्री लिख देंगे। तो ये आ जाएगा मेयर ऑफ एंगल फाइव इज इक्वल टू मेयर ऑफ एंगल थ्री प्लस मेयर ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू, ये आ गया टू टाइम्स ऑफ मेयर ऑफ एंगल थ्री। इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फाइव का। सिमिलरली मेयर ऑफ एंगल सिक्स इसके इक्वल है, तो यहाँ पर टू मेयर ऑफ एंगल टू किसके इक्वल है मेयर ऑफ एंगल फोर के, तो यहाँ टू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे मेयर ऑफ एंगल फोर। तो ये आ जाएगा मेयर ऑफ एंगल फोर प्लस मेयर ऑफ एंगल फोर, ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ मेयर ऑफ एंगल फोर। ये आ गई इक्वेशन नंबर सिक्स। इन दोनों को आप हम लोगों ने फाइंड आउट करना था कि ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल बन रहा है ये टू टाइम्स है इस वाले पूरे एंगल के, थ्री और फोर को जमा करें तो ये आ जाएगा आपके पास इसके इक्वल। तो आपका एंगल फाइव और सिक्स को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल आएगा ए ओ सी। तो आपने एक वही नंबर फाइव एंड सिक्स को ऐड कर देना है, एडिंग फाइव एंड सिक्स। तो ये आ जाएगी मेयर ऑफ एंगल फाइव प्लस मेयर ऑफ एंगल सिक्स इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे टू मेयर ऑफ एंगल थ्री प्लस टू टाइम्स ऑफ मेयर ऑफ एंगल फोर। यहाँ से आपका टू कॉमन आ जाएगा, बाकी बन गया मेयर ऑफ एंगल थ्री प्लस मेयर ऑफ एंगल फोर। आप देख रहे हो यहाँ पे फाइव और सिक्स ये दोनों एंगल मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं ए ओ सी। तो ये आपके पास एंगल बन गया मेयर ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ थ्री और फोर कौन सा एंगल बना रहे हैं मिलके दोनों ए बी सी। तो ये आ गया मेयर ऑफ एंगल ए बी सी जो कि आपने प्रूव करना था के ए ओ सी एंगल टू टाइम्स ऑफ ए बी सी एंगल के है, जो कि ये है, प्रूव हो गया है। इस थ्योरम में सिर्फ ये तीन चार चीज़ें थीं जो कि आप समझने वाली थी। इनके इन थ्योरम्स के प्रूफ जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करती हूँ, आप चेक कर लीजिए। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होंगे इस थ्योरम में आपकी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। फ़ीमान अल्लाह हाफिज़।